और इन प्रश्नों पर जागृति पैदा कर सकते और हम ही करेंगे तो होगा, कोई बाहर वाला आके नहीं करेगा। जिसको छत्तीसगढ़ से प्रेम है, जो छत्तीसगढ़ में रहता है, वही ये सब करेगा। मेरे घर के लोग तो आपको मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। तो आपको ये वर्कशॉप में बुलाने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप तैयार हों, ये सब विषय जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे गांव गांव जाके आप समझा सकें सबको। अब आप कहेंगे ये दस्तावेज हमें दे दो, मैं दे सकता हूं, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, आपको ये सीडी में डाल के मैं आपको दे देता हूं। आप गांव गांव में जाइए, इसको एक्सप्लेन करिए, इसका हिंदी करना हो तो वो भी करवा दूंगा, वो भी हो जाएगा, बड़ी बात नहीं। लेकिन हम करने का संकल्प करें, गांव गांव जाएं, गली गली जाएं, इन प्रश्नों पर बात करें, भले 10 किसानों से करें, 15 किसानों से करें, 20 किसानों से करें, और इस पर जागृति जब निर्माण होगी तो संगठन बनेगा, फिर उस ताकत से आप ये कर पाएंगे। बहुत जानकारी मिलेगी। लैंड सीलिंग एक्ट का जो नया प्रपोजल आ रहा है वो आप पढ़ लो, यहाँ विधानसभा में आया हुआ होगा, निकलवा लो। और यहाँ का जो होता है ना पब्लिकेशन डिवीजन होगा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, हाँ, तो वहाँ से सब पता चल जाएगा। अधिकारी देना नहीं चाहते, देंगे। अभी तो हर सूचना आपका मौलिक अधिकार है, अब तो कोई भी सूचना वो छुपा नहीं सकते आप। सूचना का अधिकार शायद यहाँ हो गया होगा, नहीं भी नहीं है, है ना, है ना, हाँ है। कुछ फीस जमा करनी पड़ती है, सभी एक्ट की कॉपी मिल सकती है, सभी जानकारी मिल सकती है। मेरा कहने का मतलब है कि आपका कार्यक्रम पूरे जो माना चाहिए, ठीक है, बहुत जल्दी, ठीक, उसमें जितना जागृति आएगा, ये फिल्म लगाने का पक्ष उसमें ज्यादा जागृति आएगी, ठीक है। अभी क्या कई लोग जानते नहीं, आपका नाम नहीं जानते, जान नहीं जानते, मैं बताने को जिस बात को मेरी बात सुनता हूँ, कौन है बोल रहा है, कौन है बोल रहा है, ये बात मतलब वही। हाँ, ये हिंद स्वराज अभियान क्या है? हिंद स्वराज अभियान का माने जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के समय से चली आ रही कानून व्यवस्था, नियम व्यवस्था है, ये बदलना, और जो नई गुलामी आई है WTO की, गैट की, वैट की, उसको हटाना, इन सब के लिए जो अभियान है उसका नाम है हिंद स्वराज अभियान। और ये साल से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक तो हम क्या था, जन जागृति करते थे, अब जन जागृति करके कुछ कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं की मदद से हिंद स्वराज अभियान शुरू कर रहे हैं, जैसे कभी गांधी जी ने किया था 1930। और उसका मूल उद्देश्य है कि अंग्रेजियत के सब नियम कायदे कानून उनको बदल उड़ाना, और जो नई गुलामी आ रही है WTO है, इसको रद्द करवाना, इसको हटाना, इसके लिए हिंद स्वराज अभियान। यही हो जाएगा, हाँ, जब ये अभियान चलेगा धीरे धीरे, ये बहुत ताकतवर होगा, इसमें बहुत सारे दूसरे संगठन जुड़ेंगे, बहुत सारे कार्यकर्ता आएंगे, तो थोड़े दिन के बाद यही नाम पड़ जाएगा। जैसे आपने ऐसे देखा ना, कांग्रेस नाम की एक संस्था बनी, उसने आजादी आंदोलन चलाया, लेकिन जैसे जैसे आजादी आंदोलन बढ़ता गया कांग्रेस छोटी होती गई, और एक दिन आजादी का आंदोलन बहुत बड़ा हो गया, कांग्रेस छोटी सी एक संस्था बन के रह गई, उसमें दूसरी भी बहुत सारी संस्थाएं। वैसे ही ये हिंद स्वराज अभियान एक बड़ा अभियान बनेगा, इसमें बहुत सारे संगठन शामिल हो जाएंगे, जैसे आजादी बचाओ आंदोलन एक संगठन है, जैसे व्यापारी महासंघ एक संगठन है, वैसे सुनार लोगों का एक संगठन है, ऐसे ऐसे बहुत सारे संगठन इसमें आ जाएंगे, तो ये अभियान बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये हिंद स्वराज अभियान शुरू, संगठन मिलकर ये चलाएंगे। अभी तो तुम्हारे सुनार जो गिरी का काम करने वाले हैं उनके ऊपर आफत आने वाली है, हॉलमार्क, हॉलमार्क का नाम सुना, उसमें ये WTO की ही कंडीशन है, वो भी हॉलमार्क, हरेक सुनारी का काम करने वाले कारीगरों को अपने गहनों पर हॉलमार्क लगाना कंपलसरी होगा,
और हॉलमार्क के लिए 20,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस, 350 रुपए प्रति गहना अलग से फीस, चाहे छोटा सुनार हो चाहे बड़ा सुनार हो, और जितने गहने आप बेच रहे हैं उसका 50% हॉलमार्क होना ही चाहिए, नहीं तो आपकी दुकान का लाइसेंस रद्द, आपके खिलाफ जब्ती का वारंट, ये सब वहां आने वाला है। जैसे वैट का है ना, उससे भी ज्यादा खतरनाक ही आने वाला है हॉलमार्क। एक एक करके ऐसे खराब खराब कानून आने जा रहे हैं इस देश में। हॉलमार्क होने की संभावना इसी साल में पूरे देश में। और हॉलमार्क का रजिस्ट्रेशन देने वाली भारत में अभी तक 2 ही संस्थाएं हैं, और 1 करोड़ कारीगर हैं जो सुनारी का काम करते हैं। मैंने एक दिन हिसाब लगाया, ये दोनों संस्थाएं रोज 12 घंटे काम करें और 12 घंटे में रोज 100 कारीगरों को सर्टिफिकेट मिले, तो 1 करोड़ को मिलने में इतने साल लग जाएंगे कि हिंदुस्तान तब तक कितनी बार पनिशमेंट पा चुका होगा हॉलमार्क। तो बड़ा मुश्किल है। इसका अभी विरोध बड़े बड़े सुनारों ने शुरू किया है। नागपुर में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी सुनारों की, मैं उसमें गया था, पुणे में हुई थी, फिर अभी दिल्ली में हुई, तो उनको तो अभी मालूम हो गया है, लेकिन छोटे छोटों को मालूम नहीं। 8,000 करोड़ रुपए का हॉलमार्क होगा, जरूर होगा, और इसका सारा पैसा विदेशियों के हाथ में जाएगा। आप जो 20,000 रुपए रजिस्ट्रेशन का देंगे वो उस संस्था के पास जाएगा जो ये सर्टिफिकेट देगी, और वो सब विदेशी संस्थाएं, और 1 करोड़ सुनारों से 20,000 रुपए लिया तो सोचो कितना हुआ, 20,000 करोड़ ऐसे लूट के ले जाएंगे। और हॉलमार्क माने ऐसा ही, जैसे ISO 9002 सर्टिफिकेट होता है ना, ISO 9001, ISO 9002, ऐसे ही हॉलमार्क। ये हॉलमार्क की किताब अभी आ गई है, इस पर कैसेट भी है, 2 घंटे की एक कैसेट मैंने बनाई है, वो सुनारों को सुनाओ, छत्तीसगढ़ के सुनार संघ वाले लोगों को इकट्ठा करो इस विषय में। अब जैसे जैसे ये सब पे मार पड़ेगी ना, सब इकट्ठे होंगे, अपने आप संगठन बनेगा। हाँ, जब सबके ऊपर आफत आती है तो इकट्ठे होते ही है ना, आग लगती है तो मोहल्ला पूरा इकट्ठा होता है कि नहीं, वैसे सब अपने अपने घर में सोते हैं, आग लग जाए तो सब इकट्ठे होते हैं, वैसे ही अब होगा। ब्रेक करें थोड़ी देर, बहुत भारी हो गया ना, भारी हो गया। ये सब जो है ना बहुत जटिल विषय है, नीरस विषय है। आप तय कर लो कितनी देर का ब्रेक है। नहीं नहीं, आधा घंटा दो, आधा घंटे 45 मिनट में फिर इकट्ठे हो। गंभीर चर्चा हुई जिससे हमने पहले कानून वही वाहन लागू करने लागू नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो रहा है, लेकिन हमें चाहे उपभोक्ता के लिए लोगों के लिए यह हानिकारक नहीं है। हमने चर्चा की और आप सभी लोगों ने चर्चा में भाग लिया। अभी यह दूरदर्शी यह कार्यक्रम ही और हम लगभग 45 मिनट का समझिए 6:30 बजे फिर से उपस्थित होंगे। इसे करने के लिए कार्यशाला कार्रवाई के लिए जिसमें कुछ स्कूल जो होते हैं जिस पर आजादी आंदोलन अपना एक तरह विचार करता है और उसे आंदोलन द्वारा एक गति देने का प्रयास कर रहा है, उन विषयों को हम चर्चा लेंगे और इसमें बेटे का भी शामिल होगा और जो आजादी घटना आंदोलन के समाज होते हैं जिस पर लेकर जिन समारोह को लेकर 15 वर्ष से यह आंदोलन जारी है उन मुद्दों को लेकर 6:30 बजे से हम फिर बैठेंगे। और एक आम समय जिस तरह की समाज आज की जितनी कार्रवाई हुई
उनको कहानी करते हुए कि कथा के साथ यह आज की दर्शन देने की चर्चा संपन्न होगी। हम 45 बजे फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए महत्व ब्रेक जिसमें आप रिफ्रेशमेंट चाय वगैरह के लिए आप जा सकते हैं। और आपका भी आग्रह है कि 6:30 बजे की कमर अवश्य मौजूद हूँ, क्योंकि उनमें छोटे छोटे मुद्दे जिससे आप सभी लोगों का इंटरेस्ट चलता है, सभी लोग उसको पूछना चाहते हैं, जो आजादी का आंदोलन के 15 वर्षों के आंदोलन के क्रम मुद्दे रहे हैं, मुद्दों को सुनने के लिए आप जरूर चाहते होंगे। इसलिए सिक्योरिटी वगैरह ले लेंगे। ये हिंदू समाज अभियान किस लेवल पे लॉन्च करेंगे? छोटे से छोटे से लेकर बड़े से, गांव से लेकर केंद्र तक। इसमें क्या कर रहे हैं, बहुत सारे संगठनों को जोड़ रहे हैं। आजादी बचाओ आंदोलन जैसे 60-70 संगठनों को इसमें शामिल कर, सभी समाज के सभी वर्ग, हाँ, जिनको ये सब नियम कायदे कानूनों से तकलीफ। उन्होंने क्या किया है, समीक्षा करने की बात की है, उसके बाद शायद हटाया, लेकिन ये वो जानते हैं कि अगर नहीं हटाया तो जनता उनको रहने नहीं देगी। बहुत जागरूक हो गई है, क्योंकि 2 साल उनको दबाव नहीं डाल रही, बहुत दबाव है, हटा तो नहीं रही। नहीं, वो उन्होंने कहा है कि हम समीक्षा करेंगे फिर हटाएंगे, ऐसे ही करेंगे। समीक्षा करते करते डाल देंगे? 5 साल? नहीं, 5 साल तो नहीं, जनता ने उनको कुछ समय दिया है, इन्होंने भी जनता को वायदा किया है 1.25 साल में हम करेंगे। नेता लोग तो वादा ही करते हैं, चलते ही नहीं आता है। तो फिर अगली बार इनको हरा देगी सर, क्या फर्क पड़ेगा, वो आ जाएगी। क्या है जिसमें दिक्कत ये है कि पत्थर हजू मारना चाहता है, पहला पत्थर कौन मारे, उसी उसी ताकत वाली बात। ज्यादा पत्थर मारे हम इनको आंध्र प्रदेश में, अभी तो फिलहाल उन्होंने पार्शियल लागू किया है, थोड़ा हिस्सा, पूरा नहीं किया। नहीं, हट जाए शायद, वहाँ भी विरोध बहुत है। महाराष्ट्र वालों ने कल कहा कि हम हटा देंगे या तो इसको पूरा बदल देंगे, इतना विरोध हुआ है परसों महाराष्ट्र में। बम्बई का पूरा मैदान भरा पड़ा, आजाद मैदान में लाखों लोग आंदोलन को, अलग अलग संगठन, व्यापारियों के, उद्योगपतियों के, सब ये पत्रिका निकलती संस्था की, उसी का लोग पैसा नहीं भेजते पूरा, गलत बोल रहा है। अपने स्वार्थ कारण मर रहे होंगे, मेरी हिसाब से इसको आना नहीं चाहिए। भाई आदमी क्या बोलते हैं, राजू भाई कर रहा है जो अपने स्वार्थ पैसा ले नहीं कर रहा है, हम उसे क्या समझाएं, क्या समझाएं बताना, हो सकता है भाई से वो भी होगा, ऐसा बोलते हैं अनजान आदमी। तो मेरे कहने का आदमी जब तक इनडायरेक्ट हूँ उसको आप सामने नहीं आ सकते, इनडायरेक्ट होगा लागू है, मतलब 94 से चालू हो गया, 94 से बहुत थोड़ा हुआ। अच्छा, अभी 2005 से बहुत तेज हो गया, इसमें साइन हुआ 94 में उनको, 10 साल वाले लागू थोड़ा थोड़ा तब से हुआ, एक साथ तेरे का हंगामा हो जाएगा देश में, बवाल हो जाएगी। उनके चरण क्या है, चलाऊंगे उन्हें, चरण तो ये है कि अगले 3 साल में पूरा लागू करना, 2008 का पूरा लागू करना। फर्क क्या क्या मतलब पड़ेगा, जैसे कि 2000 नए कानून बनेंगे अगले 3 साल में, मतलब संविधान को मतलब संशोधन होता रहे, 57 कानून संशोधन, संविधान नहीं बदल सके तो ये क्या बदलेंगे लोग, बदलो क्या बदलो, 57 साल हो गया आजादी हमारे देश को, तो पुराने संविधान बदल सके जो अंग्रेज बनाए होंगे, ये तो क्या बड़ा संशोधन कैसे कैसे होंगे, ऐसे ही जैसे नया वैट कानून आ गया। अच्छा, तो ये एक संशोधन हुआ, ऐसे ही नया पेटेंट कानून आ गया वो एक संशोधन हुआ, ऐसे ही नया कानून आते जाएंगे। लाभ के लिए होगा, हानि के लिए होगा मेरे ख्याल से, देश की हानि, क्योंकि जो पुराना वाला है वही तो है, तो नया तो संशोधन नहीं कर रहा, बढ़िया का काम करो जनता के हित में, अभी तो है सही होता तो कर लेते, वो सही नहीं है सामने, मेरे सामने चुनाव लड़के क्या फायदा,
जनता को जागरूक करना इतना बड़ा काम है, जो जागरूक हो जाए वो चुनाव लड़े। मेरा ये कहना है कि ये सब विषय समझने के बाद लोग चुनाव लड़े, संसद में जाएं जाके बदले, विधानसभा में जाएं जाके बदले, मेरे चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि ये सब समझने वाले 350-400 लोग पूरे देश में तैयार हों, वो चुनाव लड़े। टाइम लगेगा राजीव भाई, हो जाएंगे, हो जाएंगे। मेगा पार्टनर नहीं लड़ी उसने, एक दो लोगों को लड़वाया। नहीं नहीं, उसमें उन्होंने क्या किया कि पूरे मन से नहीं किया, आधे अधूरे मन से किया। मेरी ये कोशिश है कि 2009 में अगर चुनाव होता है तो ये सब समझ रखने वाले 300-400 लोग संसद में जाएं, चुनाव लड़े इन विषयों पर, अलग बैनर पे लड़े, एक साथ मिलके लड़े, कैसे भी लड़े, और जाके वहाँ ये सब बदले। जो महात्मा गांधी बहुत ताकत है तो वहाँ जाके भी शायद महात्मा गांधी की जो बात थी वो खास थी, वो सही थी, कभी तो उसको मरवाया गया। महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी के नोट में जो 500 का नोट है तो बहुत ताकत है बोलने को। विकास हो रहा है, विकास के नाम पर खर्च हो रहे हैं, सड़क पुल वगैरह बन रहे हैं, इसमें जितना परसेंट पैसा यहाँ का है जितना परसेंट बाहर का, 15 से 20% यहाँ का है बाकी बाहर का, उसी का हुआ हमारा काम हुआ उसी का। आप जो टैक्स भरते हैं 36% सरकार को, कुल विकास का 15-20% के बीच में, बाकी जो 80% है वो कर्जे का है, अनुदान का, चाहे केंद्र सरकार से विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। इसमें ऐसा कौन सा राज्य है जिसने विश्व बैंक से कर्ज नहीं लिया हो? कोई नहीं, एक भी राज्य नहीं। अभी देखो नया राज्य बना उत्तरांचल, उसने भी पहले ही साल में लेना चालू किया। जो मंत्री बनते हैं तो दबाव आता है कि आप कर्ज दीजिए, कि दबाव नहीं आता, अपना कुछ स्वार्थ रहता है, दबाव तो बहुत थोड़ा रहता है, स्वार्थ ज्यादा, और अधिकारियों का वो रहता है सब, दबाव अधिकारी डालते हैं, स्वार्थ इनको दिखाई देता है। 35 का पेमेंट है हिसाबो तो पता चलता 500 करोड़ का प्राप्ति है, कहाँ भाई मेरे पास जमीन है। अभी तुमने देखा टीवी चैनल पर अखंड प्रताप सिंह करके उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी, उसकी कहानी आई थी आज तक की, वो चीफ सेक्रेटरी है जिसकी सैलरी 24,000 रूपए महीने की है, अखंड प्रताप सिंह, हाँ, और उसकी लगभग 350 करोड़ की प्रॉपर्टी। हाँ सर, वही तो बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, जितना लूट सके बना दिया और घर वाले बैंक कि जिसमें जो भी खाता रहेगा वो किसी को बताएंगे नहीं, ब्लैक में नहीं कर रहा, जो भी चाहे यहाँ रखे कोई दिक्कत नहीं। उससे अच्छा ये है कि ये ऐसा काम करने से अच्छा है इनकम टैक्स ही हटवा दे, कोई टैक्स ही ना, तो बात ही खत्म हो जाए, कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी इनकम टैक्स नहीं है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, जिसके पास जितना खर्च करे, या तो खर्च करे या बचत करे, तो बजाय हम बैंक खोलने के इनकम टैक्स खत्म कराएं, वो आसान है, वो आसान है, वो आसान है, बैंक खोलना उसमें क्या होगा, हमारे पास बैंक में पैसा इकट्ठा होगा, फिर उसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, पैसा जहाँ एक जगह इकट्ठा होता है उनको करप्शन करता है, तो बजाय इसके सबके पास रहे अपना अपना ब्लैक मनी, सब अपना अपना खर्च करें, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई मान लो गुरुद्वारे में, तो कोई कहीं, तो कोई कहीं, कोई तालाब बनाए, कोई कुआं खुदवाए, कोई धर्मशाला बनाए, कोई प्याऊ बनवाए, इसी में खर्च करें, देश को वही जरूरत है, गरीब लड़कियों की शादी करवाएं और गरीबों में दान बांटे, घर बनवाते जाए, उनकी सारी रहने खाने की व्यवस्था करें, स्कूल चलाएं, कॉलेज चलाएं, हॉस्पिटल चलाएं, गौशाला चलाएं, ब्लैक मनी उसी में खर्च होता है।
बजाय बैंक में जमा होने के, इस तरह से खर्चों को अच्छा लाभ होगा। ये अगर जमा हो गया आके फिर तकलीफ करेगा। शिक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण की बात करें, क्या वो नाम तो भूल गया होगा, अफ्रीका में उनका गिले रहा है, शिक्षा जो ऐसी होनी चाहिए कि बेरोजगार उन्मूलन को लेकर तो लेख लिखा था चार पाँच महीने पहले कक्षा में पढ़ा था। इसमें भैया ऐसे कोई स्कूल जो शासन के अंडर में तो नहीं है, शासन के विषय तो नहीं पढ़ाए जाते, बकायदा स्कूल चलती है और इस टाइप के स्कूलों की जरूरत विभाग को जरूरत ऐसे स्कूल को पता जो हम छह बना रहे हैं, अभी मई से शुरू हो जाएंगे। एक बना रहे हैं बम्बई, बम्बई से फैसले भी कर, एक बना रहे हैं मद्रास, एक बेंगलोर, एक भीलवाड़ा, एक कोटा और एक महाराष्ट्र, ऐसे छह बना रहे हैं, गुरुकुल बना रहे हैं, उनमें ऐसी ही पढ़ाई होगी, रोजगार मिलेगी। जब उसमें डिग्री तो मिलेगी नहीं, आठवीं दसवीं बारहवीं वहाँ के बच्चा निकला वो लेटर तो ढूंढ नहीं सकता, भले ना बने लेकिन अच्छा कारीगर बन सकता है ना। लेकिन यदि आपके स्कूल में हम तो अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे पढ़ने के, जिनको कारीगर बनाना वो भेजेंगे। लेकिन भैया हर माता पिता को ये बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन ये खाप देता है कि मेरा बच्चा जो है वो सेक्रेटरी बनेगा, कलेक्टर बनेगा। कलेक्टर बन ही नहीं सकते इसके बच्चे, कलेक्टरों की कुल पोस्ट हिंदुस्तान में 680 है और 680 से ज्यादा तो बन नहीं सकते। भिखारी माता पिता भी कलेक्टर जिनसे तो सपना देखते ही नहीं गया, तो उनको ये बात समझानी पड़ेगी कि भैया एक साल में 680 ही कलेक्टर बन सकते हैं और एक साल में 1 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या करेंगे बाकी। तो कोई कारीगर बनेगा, कोई वैद्य बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई पढ़ाएगा, कोई कुछ खेती करेगा। खेती करने वाले ज्यादा हो सकते हैं, कारीगरी वाले दूसरे नंबर पे, स्वयं रोजगार करने वाले तीसरे नंबर पे, नौकरी में तो अब ज्यादा नहीं जाने वाले, नौकरी है ही नहीं। इंजीनियर वो आगे जाके खुद क्या कर सकता है, स्वयं अपने स्वयं रोजगार करें अपने बजाय कहीं नौकरी करने काम दूरन कंपनी में ज्वाइन करने पड़ेगा, कुछ नहीं अपनी कंपनी चलाए उसके लिए फिर पैसे देंगे तो पैसे बैंक देगी लोन में, बहुत बैंक लेने देने को तैयार है, इंडिविजुअल लोन भी देती है और कोई इंजीनियरिंग फर्म बनाओ तो उसको भी लोन मिलता है। बहुत लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग करके अपनी फैक्ट्री बनाई, अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे आप भी स्कूल की कल्पना कर रहे हैं, उसके लिए जमीन कितनी चाहिए आपको? हमने तो जमीन लिया है 75 से 80 एकड़, सब एक जगह पर एक एक, लेकिन अगर 5 एकड़ भी हो तो उसमें हो सकता हो जाएगा भी 5 एकड़ आराम से हो जाएगा। इसके सिलेबस तैयार हो गए? हाँ, मई से शुरू करने जा रहे हैं, डिग्री कानपुर हम लोग भी बालक ने खोलने की करो 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 पहले बना लो उसको, सपना है, सिलेबस हम दे देंगे। और ऐसे बहुत बच्चे मिलेंगे गांव के जो गरीब बच्चे हैं ना, जिनके पास पढ़ने को पैसा नहीं, वो सब आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ पढ़ने, उनको किसी को कलेक्टर नहीं बनना। ऐसे भी चालू स्कूल कहीं पर है जहाँ हम देखने जा सकते? मई से हम दिखा देंगे, मई से अपना चालू हो जाएगा, बम्बई वाला सबसे पहले चालू हो रहा है। बिल्डिंग हमारी बन गई है, 5 हॉल वो बन गए हैं, बड़े हॉल और थोड़ा 2-3 और बाकी है। हम करीब 450-500 बच्चों के हिसाब से बनाए रेजिडेंशियल, मतलब बच्चे रहेंगे वहीं, रहना वहीं। वो क्या ये मतलब बच्चे 12 महीना वहीं रहेंगे, साल में छुट्टियां भी होंगी? साल में 2 महीने छुट्टी, एक एक महीने की, 1 महीने गर्मी में और 1 महीने दिवाली दशहरा पर। फीस नहीं देते उनको, क्या है कि जो वो काम करेंगे उसी से उनका कारण बनेगा। हर बच्चा रोज 2 घंटे चरखा चलाएगा, 1-2 घंटे साबुन बनाएगा, व्यंजन बनाएगा, 1-2 घंटे खेत में काम करेगा, उससे जो उत्पादन होगा उससे उनका खर्चा चलेगा, बचा हुआ गुरुकुल में काम आएगा। शुरुआत में अपन क्या क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? 15-20 जो सबसे आसान, व्यंजन, वॉशिंग पाउडर, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, क्लीनिंग पाउडर, टॉयलेट क्लीनर, शैम्पू, ऐसे ये जितने प्रोडक्ट बने 15-20 मार्केटिंग, मार्केटिंग अपने कार्यकर्ता के लिए। और हमने नियम ये रखा है कि जो पढ़ेगा वहाँ वो स्कूल की ही चीजें खरीदेगा, माने उनका परिवार, कभी हम एडमिशन करेंगे, फीस हम लेंगे नहीं, डोनेशन लेंगे, उनका एक गारंटी।
कि आपको हर महीने जितना सामान लगता वो आप यहाँ पर कर, तो उससे क्या होगा, जैसे 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, 500 परिवार तो अपने कस्टमर हो गए परमानेंट, और उन परिवारों का एक एक अगर रिलेटिव भी हमारा कस्टमर हुआ तो 1000 हो गए, और दो दो हुए तो 1500 हो गए, उतने में गुरुकुल आराम से चलेगा। बच्चे 6 साल पहले तो उनको रहना पड़ेगा, पहले उनको बेसिक एजुकेशन देंगे 7 साल, फिर 7 साल की हायर एजुकेशन जिसको विद्या, एक शिक्षा और एक विद्या, मतलब क्या होंगे दोनों अंदर क्या होगा शिक्षा, पहले शिक्षा देंगे जिसमें उनको गणित पढ़ाएंगे, भाषा पढ़ाएंगे, साक्षर बनाया जाए, हाँ गणित भाषा, फिर ये जो प्रकृति जगत की सारी चीजें हैं ये सब उनको पढ़ाएंगे, फिर अगले 7 साल में उनको विशेष अभ्यास करेंगे। आर्य समाज के गुरुकुल से और इसमें थोड़ा फर्क होगा, आर्य समाज के गुरुकुल में वही सिलेबस पढ़ाते हैं जो सरकार बताती है, हमने सिलेबस अपना ही अलग बनाया। हाँ और क्या, पहले अभी मास्टर तो ऐसे तैयार करेंगे जो परमानेंट रहे, इनकी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग अभी शुरू किया है, अपन भी भेजना चाहते हैं, मान लो कोई मास्टर भेज सकते हैं, मई से उनके ट्रेनिंग कैंप शुरू हो, ट्रेनिंग भी कैंप चालू, पढ़ाई भी काम काम चालू, वही जैसे आपके हिसाब से एक स्कूल खोलने में बजट कितना चाहिए, बहुत छोटा सा यार, तब भी अभी हम जो बम्बई का बना रहे हैं वो करीब 2.5 करोड़ में बनाए, 2.5 करोड़ बहुत छोटा बोल रहे आप तो नहीं, नहीं मेरा ये मानना है, सीरियल वाली बात कर रहे हैं, 100-200 करोड़ में सवाल नहीं, आइए आइए साहू जी, नहीं नहीं अगर जैसे बालोद में हम शुरू करें तो 20-25 हजार से 50 हजार के बीच में बजट आए, अगर बना बनाया स्कूल मिल जाए तो, बनाना हो तो बनाने का जो खर्चा है, मान लो 4-5 कमरे हों, एक हॉल हो तो उसको, और जरूरी नहीं है पक्का बने, कच्चा बना लो, ईंट का और वो जो फूस का बांस का वो बना लो, बिल्डिंग महत्व की नहीं है, पढ़ाया जो जाएगा वो महत्व का, और हम तो क्या कर रहे हैं, हरेक के साथ गौशाला बनाई है, खेती रखी है, इसलिए थोड़ा ज्यादा बिना गौशाला के चला सकते हैं, और जरूरी नहीं है तुम रेजिडेंशियल बनाओ, डे स्कूल चलाओ, सुबह से शाम तक पढ़ाओ, बाकी दिन छुट्टी, अपने घर जाए फिर दूसरे दिन आए तो खर्चा कम आएगा, मास्टरों भी कुछ शुल्क रहेगा, मास्टरों के लिए भी हमने यही सोचा है कि जो मास्टर बनाएंगे वो उनके वहीं से पैदा होंगे, मास्टर भी उत्पादन का काम करें, बच्चे भी माने उत्पादन करते करते सीखें, खाली सीखना अपने आप में कोई बड़ा काम नहीं, उत्पादन करना ज्यादा बड़ा, ये टीचर को जो शुल्क मिलेगा जो वहाँ की बनी वस्तुओं को मिल जाएगी, तो कुछ आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग वो जितनी ज्यादा बनाए वो बिके उसका पैसा उनको मिले, मेहनताना जिसको, जैसे हमने साबुन बनाया ठीक है, अब बड़े मास्टर हैं वो तो मेहनत कर सकते हैं, दिन में 10-20 किलो साबुन बना सकते हैं, या 10-20-50 किलो वॉशिंग पाउडर बना सकते हैं, या रोज चरखा चला के सूट ज्यादा बना सकते, तो उससे उनकी आमदनी, खेती होगी उसकी भी आमदनी होगी, गौशाला है उसकी भी आमदनी होगी, शिक्षा को हम उत्पादन से जोड़ना चाहते हैं, काम करते करते सीखना, सीखते सीखते काम करना, खाली सीखने का कोई मतलब नहीं होता, उसमें अंग भी इंग्लिश करेंगे, मातृभाषा अंग जो है 1-2-3-4 1-2-3-4 रहेंगे, हिंदी में गुजराती में मराठी में इंग्लिश के, क्यों इंग्लिश को भाषा के रूप में पढ़ाएंगे लेकिन बहुत बाद में, बहुत बाद में, कब भी जब वो 14 साल का हो जाए, 13-14 के बाद उसके पहले, और इंग्लिश माध्यम नहीं रहेगा सिर्फ भाषा के रूप में, सिर्फ इतिहास है भूगोल है, हाँ ये सब पढ़ाएंगे लेकिन कैसा इतिहास कैसा भूगोल वो महत्व का है, जैसे वो खुद है उसका खुद का इतिहास पहले पढ़ाएंगे, वो किस दिन पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, किस परिवार में हुआ, परिवार का गोत्र क्या है, कुल क्या है, उनके परिवार का व्यवसाय क्या है,
वो परिवार किस गांव में रहता है, उस गांव का इतिहास क्या है, गांव किस तहसील में है उसका इतिहास क्या है, तहसील जिस जिले में है उस जिले का इतिहास क्या है, जिला जिस राज्य में है